राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का हुआ समापन। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह समापन समारोह के अवसर पर पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर द्वारा छात्र छात्राओं व आम जन मानस को यातायात नियमों के पालन जैसे सीट बेल्ट लगाना, दोपहिया वाहनों पर हेलमेट लगाकर चलाने हेतु वाहन चलाते समय मोबाइल ईयरफोन का प्रयोग न करने व नशे की हालत में वाहन न चलाने, अवयस्क को वाहन न चलाने देने आदि के संबंध में नुक्कड़ सभा के माध्यम से यूनिक फाउंडेशन एवं स्कूल बच्चों के द्वारा जागरूक किया गया। समारोह में आरटीयू प्रशासन माला वाजपेयी के द्वारा शामिल यातायात सिपाही, बस ड्राइवर और लेखन प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाली छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने समापन के दौरान ये बताया कि इस यातायात माह में चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का सभी पालन करें, हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं। और इसी कड़ी में ये भी कहा कि हमारे जो पुलिस विभाग के कर्मचारीगण हैं वो बिना हेलमेट के ना निकलें, और साथ ही मीडिया कर्मियों को भी अनुरोध किया कि आप भी कोई कवरेज पर जाएं तो हेलमेट लगाएं, न मानने वालों पर पुलिस चालानी कार्रवाई करेगी। इस अवसर पर माला वाजपेयी एआरटीओ प्रशासन सतीश चंद्र शुक्ला, क्षेत्राधिकारी नगर प्रवीण कुमार सिंह, यातायात प्रभारी व अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। सुल्तानपुर से टीवी इंडिया 18 से ब्यूरो प्रमुख सुजीत कुमार की रिपोर्ट। जी मैम जी, वही आप अपनी जो पोएम आपने बोली थी, हाँ, सड़क सुरक्षा के ऊपर। खुद को पहचानो तुम, खुद को पहचानो तुम, सड़क पर चलो तो हेलमेट लगा लो तुम, सड़क पर चलो तो सीट बेल्ट लगा लो तुम। माँ का दुलार तुम, माँ का दुलार तुम, पिता का अभिमान तुम, माँ का दुलार तुम, पिता का अभिमान तुम, भाई की भुजाएं तुम। खुद को पहचानो तुम, खुद को पहचानो तुम, सड़क पर चलो तो हेलमेट लगा लो तुम। आज सड़क सुरक्षा माह का समापन समारोह, इसके माध्यम से क्योंकि पूरे माह में विभिन्न कार्यक्रम हुए हैं, तो जिन स्कूल के छात्रों ने, कॉलेज के छात्रों ने कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया है, प्रतिभाग भी किया, और जिन्होंने कुछ पुरस्कार जीता है उनको आज पुरस्कार दिया गया। साथ ही सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए विभिन्न जो अवयव होते हैं, जो विभिन्न घटक होते हैं, उनके विषय में क्योंकि बार बार बताना भी पड़ता है ताकि ये बात स्मरण में रहे, तो उन पे चर्चा हुई किस प्रकार से एक व्यक्तिगत सुरक्षा का दायित्व, सामाजिक सुरक्षा का दायित्व, और जो एक व्यवस्था की तरफ से जो दायित्व है, उन तीनों पर चर्चा हुई। और साथ ही हमारे सुल्तान साहब ने, हमारे आरटीओ मैडम ने इसके विषय में चर्चा की कि हम किस प्रकार से और सुरक्षित सड़क व्यवस्था को बना सकते हैं। तो ये एक पीरियोडिकली किया जाता है ताकि किसी प्रकार से प्रयास करके हम सड़क दुर्घटनाओं को, और दुर्घटनाओं के साथ साथ यदि उनमें कोई फैटलिटीज होती हैं उनकी संख्या को न्यूनतम कर सकें।